खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में आज मतदान किया जा रहा है और अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जो कि सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, वो भी दिल्ली की ही वोटर हैं और स्वरा अभी अभी अपने वोटिंग के हक का प्रयोग करके निकली हैं। स्वरा, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और क्या लगता है आज दिल्ली, आप भी दिल्ली की ही लड़की हैं, दिल्ली वाले आज क्या सोच कर वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? मेरी उम्मीद ये है कि दिल्ली में हम जितने मतदाता हैं वो मुद्दों पर वोट देंगे और ना ही जुमलों पर। मेरी ये उम्मीद है कि दिल्ली के वोटर सही मायने में देश के लिए वोट देंगे और देश के जो असली मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य या बेरोज़गारी और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पे वोट देंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जो कि नियतमंद है, नेक है और जो काम की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए वोट देंगे। दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग की है, उन्हीं में से एक प्रत्याशी आतिशी भी हैं, जिनको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे पर्चे बांटे गए जिनमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हैं, उन पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही शर्मनाक पर्चा था और जिसने भी लिखा था वो बहुत ही, मतलब उनके दिमाग में कचरा है और बहुत ही ओछे किस्म का पर्चा है। और बट अब जब तक आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली किसने किया और सबूत नहीं मिलता, तो हम किस क्या ही कहें, बहुत ही मतलब ओछी हरकत थी। आप हमेशा बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखती, कई बार क्या, अक्सर ये ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो जो हमें देखने को मिला, किसी ने ट्रोल करने के लिए आपको अचानक से वो वीडियो बनाया, आपको लगा कि तस्वीर खींची जा रही है, आपने उस पर भी खूब जमकर जवाब दिया ट्विटर। नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी जो ऐसी छल कपट से किसी को किसी के साथ कोई ऐसी हरकत करना, वो एक चीप स्टंट होता है। आपने सेल्फी मांगा, मैं जो मांगता है, हम लोग सेल्फी तो के लिए खड़े हो जाते हैं। अब एयरपोर्ट पे हो आप, चेक ये सब, आई मीन इट्स जस्ट चीप, इट्स टैकी। एंड इनफैक्ट जब उन भाई साहब ने वो कहा था, मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि जैसे आपकी, मतलब सबकी अपनी राय होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकतंत्र हैं। और मैंने उन्हें बोला भी था कि ये वीडियो बना रहे हैं आप, तो उसने कहा नहीं, मैं सेल्फी का स्क्रीनशॉट लूंगा। आई मीन इट्स अ चीप स्टंट, बट मैं क्या बोलूँ अब, जो ये अक्सर होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ कि लोग आपके नाम पे अपने 10 मिनट की फेम लेने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में इस बार आप बदलाव देखना चाहती हैं? आई मीन आई थिंक कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव इस पूरी कायनात का एक सच है जो ज़रूरी है, होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार आए जो हमारे संविधान के जो आदर्श हैं उनकी इज्जत करती हूँ। मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि पिछले 5 साल में अगर कुछ हमने देखा है जो कि जो परेशानी जगाने वाला है, वो ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो संविधान, हमारे संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, उसका हनन करने की कोशिश करते हैं, संविधान जलाया जा रहा है। और फिर जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, बीफ लिंचिंग हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो सब एक्चुअली इसी चीज़ का हिस्सा है कि आप बेसिकली हमारे संविधान और हमारे संवैधानिक आदर्शों में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में बाकी राज्यों की तुलना में अभी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, दिल्ली वालों से अपील करना चाहेंगे? आप मुंबई से आई हैं और वोट देने गए हैं, तो अपने घरों से निकले? भाई, मुंबई से तो ज़्यादा ही होगी, आई एम श्योर मुंबई की भी काफ़ी बुरी थी। बट हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस दिन पे, आई थिंक कि वोट करना हमारा लोकतांत्रिक हक ही नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। और सजग नागरिक होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि हम वोट करें, क्योंकि भाई 5 साल तक शिकायत करने के कभी तो हक चाहिए हमें। तो बिल्कुल, अगले 5 साल तक अगर सरकार से जवाब चाहिए, शिकायत करने का हक चाहिए, तो आज घरों से निकलिए, वोट करिए, क्योंकि स्वरा भास्कर भी आई हैं, उन्होंने वोट किया है अपने शेड्यूल में से समय निकाल के, और सभी दिल्ली वालों से अपील कर रही हैं कि ज़रूर मतदान करने जाएं। कैमरा पर्सन किसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।